बिग बॉस 14 टीआरपी क्या है? बिग बॉस 14 की टीआरपी क्या? बिग बॉस 14 कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस पे सलमान खान क्या हिंट दे रहे हैं घर में अंदर, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। अगर आप नहीं जानते तो उसमें वीकेंड के वॉर में नए वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं बिग बॉस हमें लग रहा है कि अब एक्साइटिंग होगा थोड़ा, क्योंकि अभी तक बहुत कम कंटेस्टेंट थे, 8 से 9 ही कंटेस्टेंट घर के अंदर थे जिनके बीच क्या ही झगड़ा होगा। 2-3 कंटेस्टेंट तो ऐसे थे जो कि एक लड़की के पीछे ही भागे होते थे, कंटेस्टेंट ऐसे थे जो चुप ही रहते थे, 2-3 कंटेस्टेंट थे जो कि घर को चला रहे थे। टीआरपी की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था पहले ही हफ्ते की टीआरपी कि बिग बॉस में टॉप 10 में बिग बॉस शो रहा है टीआरपी के मामले में। लेकिन जिस तरह से बिग बॉस 13 ने एक आप कह सकते हैं हाई लेवल सेट किया था टीआरपी का, वो बिग बॉस 14 मैच अभी तक नहीं कर पाया है। अब देखना यह है कि सलमान खान ने क्या, सलमान खान ने आपको पता होगा वीकेंड के वॉर का सैटरडे का जो एपिसोड था उसमें भी कहा था कि देखिए टीआरपी के लिए मैं कुछ नहीं करने वाला, टीआरपी के लिए मैं अपने फैंस को या फिर लोगों को निराश नहीं करने वाला, क्योंकि चैनल को टीआरपी तब मिलती है जब मैं आप सभी लोगों को डांटता हूँ, आप सभी लोगों के साथ झगड़ा करता हूँ, और रूबीना के लिए, जासमिन के लिए या इन सभी इन छोटी छोटी बातों के लिए मैं नहीं झगड़ने वाला। ऑफकोर्स यहाँ पर टीआरपी का जो खेल है वो लड़ाई झगड़े या फिर आप कुछ अगर नया करते हो तभी आता है। तो यहाँ पर सलमान खान ने हिंट तो दिया है कि टीआरपी जो है उतनी नहीं आ पा रही है, और अगर बिग मेकर्स चाहते भी है कि मैं लड़ाई करूँ, मैं झगड़ा करूँ, आप लोगों के साथ इस तरह से बिहेव करूँ और तब टीआरपी आए, क्योंकि और उस तरह से टीआरपी आती भी है, तो मैं ये इस बार नहीं करने वाला। ये सारी बातें जो है खुद कही हैं सलमान खान ने। पहले यहाँ पर इससे आप पता चला सकते हैं कि ऑफकोर्स टीआरपी बिग बॉस 14 की बिग बॉस 13 के मुकाबले नहीं टिक पा रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसकी टीआरपी बहुत ही कम है और ये शो जो है टॉप 10 में भी नहीं है। नहीं, ये शो हमें टॉप 10 में दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ उस तरह से टीआरपी नहीं है जितनी उम्मीदें की गई थी फैंस के द्वारा, मेकर्स के द्वारा। आपको क्या है कहना कमेंट बॉक्स में लिखें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।